कोविड पैंडेमिक और इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकलकर कई सारी कंपनीज नई गाड़ी और नई बाइक इस फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने वाली है, और इस रेस में टाटा मोटर भी शामिल है। वो अपनी सबसे सस्ती एसयूवी मतलब टाटा एक्सवीएस को लॉन्च करने वाली है दिवाली के पास। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस एसयूवी की जो कीमत होगी वो 5 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। और वहीं एचवीएस एसयूवी के अंदर टाटा मोटर्स ने कई सारे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो नॉर्मली इस सेगमेंट की एसयूवी में नहीं आती है, मतलब इस प्राइस रेंज में नहीं मिलती आपको। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा, टाटा एक्सवीएस के बारे में, किसके अंदर क्या क्या फीचर आपको मिल सकते हैं जो लॉन्च होने वाली है, और इसके प्राइस एक्सपेक्टेड जो है उसके आसपास रहेगी या बढ़ जाएगी। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, बात करते हैं टाटा एक्सवीएस के बारे में। तो पहले तो बात कर लेते हैं टाटा एक्सवीएस के डिजाइन के बारे में। स्मॉल एसयूवी टाटा एक्सवीएस के प्रोटोटाइप से अगर एज्यूम किया जाए तो इस कार का जो लुक होगा वो नेक्सॉन और हैगर के जैसा होगा, और इस कार के अंदर आपको एलईडी डीआरएल, प्रोजेक्टिव हेडलैम्प्स, हीरा जैसे मिलेंगे। वहीं स्मॉल एसयूवी टाटा एक्सवीएस के फ्रंट गिलो एयर डैम पे दिख रहे सिग्नेचर ट्राई एरो डिजाइन टाटा नेक्सॉन से लिया गया है। टाटा एक्सवीएस की कीमत को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी जो कीमत होगी वो 5 लाख के आसपास होगी एक्स शोरूम। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, टाटा एक्सवीएस जो है वो टाटा की अल्ट्रोस से भी इंस्पायर्ड होगी। वैसे भले ही टाटा एक्सवीएस देखने में छोटी हो, लेकिन इस कार की पावर की बात की जाए तो ये कई कारों में भारी पड़ सकती है। मैं आपको यही बता दूं, स्मॉल एसयूवी टाटा एक्सवीएस के अंदर आपको टाटा अल्ट्रोस की जैसे कुछ फीचर देखने में मिल सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको टाटा एक्सवीएस के अंदर देखने को मिल सकती हैं, जो कि सेम होंगी टाटा ऑल्टो जैसी। तो बात कर लेते हैं टाटा एक्सवीएस के इंजन के बारे में कि इसके अंदर इंजन आपको कौन सा मिलेगा। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 86 पीएस का पावर देगा और इसे 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। टाटा मोटर्स टाटा एक्सवीएस को दोनों ट्रांसमिशन में लाने की प्लानिंग कर रही है, मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस कार की जो पहली जो झलक है, मतलब जो पहला प्रीव्यू था, वो ऑटो एक्सपो 2020 में किया गया था। इसके बाद से इस एसयूवी का जो क्रेज है काफी बढ़ गया है और लोग इसके लॉन्च होने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बाकी जब टाटा एक्सवीएस लॉन्च होगी दिवाली के पास, तब देखने वाली बात होगी कि ये कौन कौन सी गाड़ी को टक्कर देगी, क्योंकि कंपनी ने अभी ऐसे कोई रिवील नहीं किया कि सीधा सीधा किसको टक्कर देगी, मगर डेफिनेटली किसी न किसी गाड़ी को टक्कर जरूर देगी। तो ये देखने वाली बात होगी जब ये लॉन्च होगी। तो इस वीडियो के सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मीटिंग लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।